पुलिस को मिली बड़ी सफलता, जेल के तरफ से 50 लाख रुपए की अवैध शराब किया जब्त। गेहूं के ट्रक में बैतूल से लाई जा रही थी अवैध शराब, पुलिस ने किया मामला दर्ज। नमस्कार, समाचार विस्तार से। दमोह जिले के नोटा थाना क्षेत्र की में पुलिस द्वारा कार्रवाई करते हुए एक गेहूं के ट्रक से 50 लाख रुपए की अवैध शराब को जब्त किया है। बताया जाता है कि नोटा अंतर्गत आने वाली 17 मील पर पुलिस को यह सूचना मिली कि एक ट्रक से अवैध शराब लाई जा रही है और उस ट्रक को रोका गया, तलाशी ली गई। तलाशी लेने पर 800 पेटी अवैध देसी और अंग्रेजी शराब मिली है, जिसको जब्त कर लिया गया है। आरोपी ट्रक चालक को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं बैतूल की जिस दुकान से यह शराब दमोह लाई जा रही थी, उसके दुकानदार, दुकान के गद्दीदार को भी पुलिस ने आरोपी बनाया है। मामले में पुलिस की कार्रवाई अभी जारी है। पुलिस अधीक्षक डीआर तेनीवार ने बताया कि बैतूल से एक ट्रक में भरकर 800 पेटी अवैध देसी अंग्रेजी शराब की 800 पेटियां दमोह लाई गई हैं और इन पेटियों के लाने की जब सूचना पुलिस को मिली तो उन्होंने कार्रवाई करते हुए, यानी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए ट्रक की तलाशी ली और जिसमें 50 लाख रुपए की कीमत की 800 पेटी शराब पाई गई है, जिसे जब्त किया गया है। और इस ट्रक में शराब लाई जा रही थी, जिस ट्रक में शराब लाई जा रही थी उस ट्रक को भी जब्त कर लिया गया है। वहीं आरोपी ट्रक चालक, जो कि ट्रक का मालिक है, को भी गिरफ्तार किया गया है। मतीन खान नाम है उसका, उसको गिरफ्तार पुलिस ने कर लिया है। वहीं बैतूल की जिस शराब दुकान से यह शराब लाई जा रही थी, उसके गद्दीदार को भी पुलिस ने आरोपी बनाया है। आज रात में हमें सूचना प्राप्त हुई थी कि बैतूल से एक ट्रक है, इसका नंबर था MP28H 1965। इसमें बैतूल से शराब भर कर के दमोह लाई जा रही है। विभिन्न स्थानों पर चेकिंग पॉइंट लगाए गए थे और नोटा थाना क्षेत्र में एक चेकिंग पॉइंट लगा था 17 मील पर आज प्रातः। तो उस पुलिस को देखकर ट्रक भागने की कोशिश की तो उसको भी पकड़ा गया और जब उसको पकड़ कर देखा तो पीछे गेहूँ की बोरियाँ भरी थी, उसमें कुछ शराब की जो है पेटियाँ रखी हुई थी। जब उसकी गिनती की तो 800 शराब की पेटियाँ, जिसमें कुछ अंग्रेजी और कुछ देसी है, देसी काफ़ी मात्रा में शराब है, जिसकी कीमत 50 लाख है। ड्राइवर मतीन खान, जो उस ट्रक का मालिक भी है, उसकी गिरफ्तारी की है। साथ ही जहाँ शराब लाई जा रही थी उसके गद्दीदार का जानकारी हासिल की है। वहाँ पर जो गद्दीदार है वो जितेंद्र सिंह है, उसमें प्रकरण का आरोपी बनाए गए हैं। किसकी शराब है, कहाँ लाई जा रही थी, यह प्रकरण में विवेचना का विषय है, विवेचना की जा रही है। धारा 34(2) आपका अधिनियम के तहत धारा नोटा में प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना की।